दोस्तों अगर आप भी इस मैच में भुवनेश्वर कुमार की जबरदस्त गेंदबाजी को देखकर खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों हैदराबाद के खिलाफ राजस्थान की टीम को मिली हार के बाद पाकिस्तान के दिग्गजों ने दिया बड़ा बयान। भुवनेश्वर कुमार को पाकिस्तान से खेलने का बयान देकर कर दिया 140 करोड़ देशवासियों को हैरान। जी हां दोस्तों, हैदराबाद और राजस्थान के बीच खेले गए रोमांचक मैच में हैदराबाद की टीम को जीत मिली है, जिसके बाद पाकिस्तान के दिग्गजों का बयान सामने आया है। इस बीच वसीम अकरम, शोएब अख्तर से लेकर शाहिद अफरीदी, इंजमाम उल हक ने भुवनेश्वर कुमार को पाकिस्तान से खेलने को लेकर एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। तो आखिरकार पाकिस्तान के दिग्गजों ने भुवनेश्वर कुमार को लेकर क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह में कौन है भारतीय टीम का खतरनाक तेज गेंदबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हैदराबाद और राजस्थान के बीच हैदराबाद के घरेलू मैदान पर खेले गए इस मैच में हैदराबाद की टीम एक रन से जीत उनको मिली है। इस मैच में हैदराबाद की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 201 रन 3 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बनाए थे और उसका पीछा करते हुए राजस्थान की टीम ने 200 रन 7 विकेट खोकर बना दिए, जिसके चलते इस मैच में हैदराबाद की टीम को एक रन से जीत मिली। इस बीच जीत के असली हीरो भुवनेश्वर कुमार रहे, जिन्होंने अंतिम ओवर में 13 रन डिफेंड करते हुए मात्र 11 रन दिए और मैच के अंदर अपनी 3 विकेट लेकर टीम को जीत दिलाई, जिसके बाद पाकिस्तान के दिग्गजों ने इनको लेकर होश उड़ा देने वाला बयान जारी किया, जिसमें वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा है कि राजस्थान की टीम को इस मैच के अंदर जीत दर्ज करने का मौका मिला था, लेकिन राजस्थान की टीम इस मैच के अंदर जीत दर्ज करती हुई दिखाई नहीं दी, क्योंकि हैदराबाद की टीम की तरफ से भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इस मैच में राजस्थान की टीम को जीतने का मौका ही नहीं दिया। इस मैच के अंदर अगर भुवनेश्वर कुमार शानदार गेंदबाजी नहीं करते तो शायद हैदराबाद की टीम को जीतने का मौका मिल जाता, लेकिन उनके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि ऐसे में अगर वो चाहें तो हमारी पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि उनके खेल का सम्मान हमारी टीम बेहतर तरीके से करेगी। तो वहीं इंजमाम उल हक ने बयान देते हुए कहा है कि हैदराबाद की टीम की तरफ से भुवनेश्वर कुमार ने काफी ज्यादा शानदार गेंदबाजी इस मैच के अंदर हैदराबाद की टीम की तरफ से करके दिखाई है, जिसके कारण आज हैदराबाद की टीम को जीत दर्ज करने का मौका मिला है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि राजस्थान की टीम की तरफ से सभी बल्लेबाज बेहतर प्रदर्शन नहीं करते और जिस प्रकार से भुवनेश्वर कुमार ने बेहतर प्रदर्शन किया है उसकी तारीफ होनी चाहिए। हालांकि इस बेहतरीन गेंदबाज को T20 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल नहीं किया गया और भारतीय टीम से अचानक भारत कर दिया गया है, जो बताता है कि भारतीय टीम को उनकी कदर नहीं है। ऐसे में वो चाहे तो पाकिस्तान टीम से खेल सकते हैं। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि हैदराबाद की टीम की तरफ से इस मैच में भुवनेश्वर कुमार ने काफी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाजी की है, उन्होंने इस मैच के अंदर बेहतर गेंदबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया, साथ में अपनी टीम को जीत दिलाने का कार्य भी किया। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भुवनेश्वर कुमार ने इस मैच में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सभी को बता दिया कि उनके पास भी T20 वर्ल्ड कप के लिए काबिलियत मौजूद है, लेकिन इन्हें बेवजह टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जो बिल्कुल गलत है। अगर मैं पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेलना चाहूं तो उनके लिए दरवाजे पर पूरी तरीके से फिलहाल के लिए खुले हैं। तो वहीं शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा है कि हैदराबाद की टीम की तरफ से इस मैच के अंदर भुवनेश्वर कुमार ने काफी ज्यादा बेहतर गेंदबाजी करके दिखाई है, जिसके चलते आज हैदराबाद की टीम को जीत मिली है। आज के दिन अगर हैदराबाद की टीम की तरफ से भुवनेश्वर कुमार बेहतरीन गेंदबाजी नहीं करते तो शायद टीम को जीत कभी नहीं मिल पाती, लेकिन इस खिलाड़ी को T20 वर्ल्ड कप के अंदर गेंदबाजी करते हैं जैसे वैसे ही, तो उनके लिए पाकिस्तान की टीम के दरवाजे मेरी तरह से खुले हुए हैं और वो हम भी नहीं पीते क्योंकि साथ जुड़े हैं। तो दोस्तों इस मैच में भुवनेश्वर कुमार की शानदार गेंदबाजी को देखकर आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।